हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस फैल रहा है अभी, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में। सो मेनली जो टेस्ट जो WHO ने अप्रूव किए हैं और पूरी दुनिया उसे फॉलो कर रही है, वो PCR बेस्ड टेस्ट हैं। इन टेस्ट में क्या होता है, इनमें वायरल का RNA जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट का या जो सस्पेक्ट है उसका म्यूकस लिया जाता है फ्रॉम यूजिंग नेसो फेरेंजियल स्वैब। तो ये जो एक स्वैब होता है जो कि आपके नोज़ के अंदर डाला जाता है और वहाँ तक डाला जाता है जो आपके नोज़ जो है माउथ की दोनों की पाइप को कनेक्ट करता है, और वहाँ से म्यूकस कलेक्ट किया जाता है और उस पर्टिकुलर म्यूकस सैंपल में ये वायरल RNA जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। तो एज वी नो कि ये RNA वायरस है, तो पहले इसका cDNA बनाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और फिर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब वो cDNA बन जाता है, तब स्पेसिफिक प्राइमर जो कि इस वायरल RNA के ही हैं वो यूज़ करके डिफरेंट कॉपीज़ बनाई जाती है। 40 साइकिल्स जो है PCR की चलाई जाती है, जिससे अराउंड 100 बिलियन कॉपी बनती है, और जो प्राइमर यूज़ होता है उसमें फ्लोरोसेंस टैग होते हैं, तो ईजिली डिटेक्ट हो जाता है कि पॉजिटिव जो सिग्नल है वो फ्लोरोसेंस का आता है, उससे पता चल जाता है। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट यही टेस्ट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हैं जो लोगों ने डेवलप किए हैं, वो यूज़ हो रहे हैं। PCR यूज़ करके जो टेस्ट हैं वो जनरली रिजल्ट देते हैं 4 to 6 आवर्स में। ये थोड़ा लंबा टाइम है, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर सैंपल कहीं और सिटी में भेजना हो टेस्टिंग के लिए, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। लोग बहुत से नई कंपनीज जो है वो पोर्टेबल टेस्ट या क्विक टेस्ट जो है उसको ट्राई कर रहे हैं, बट एट मोमेंट यही टेस्ट जो है वो मेजरली यूज़ हो रहा है सारी कंट्रीज़ में। तो ICMR वगैरह ने और डिफरेंट इंडिया की जो मेडिकल बॉडीज़ है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने गाइडलाइंस जारी की है कि कौन ये टेस्ट करवा सकता है और किसको ये टेस्ट करना चाहिए। जब मैंने टाइमलाइन देखा तो मुझे पता चला कि 6 मार्च को ICMR ने DHR के साथ मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के साथ मिलके, NIV को एज अ एपेक्स लैब बनाया, विच इज़ लाइक दी लीड लैब जो कि सारा कुछ लीड करेगी। NIV इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे में बेस्ड रही है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हम 106 डिफरेंट लेबोरेटरीज़ को वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब्स बना सकते हैं, तो यहाँ से सैंपल कलेक्ट होंगे। और उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि कैसे जो है फिर टेस्टिंग होगी, सैंपल कहाँ भेजा जाएगा और कैसे एनालाइज होगा। 13 मार्च को एक प्रेस रिलीज़ किया था ICMR ने, जिनमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने 6,500 सैंपल टेस्ट किए फ्रॉम 5,900 इंडिविजुअल, जिसमें कि 78 सैंपल्स जो है पॉजिटिव निकले थे। ये सैंपल्स बहुत सारे उन लोगों के थे जो कि अब्रॉड से इंडिया में ट्रैवल किए थे। और 17 मार्च को 72 लैब्स को एक्चुअली इक्विप कर दिया गया था सारे टेस्ट करने के लिए। 49 एडिशनल लैब्स जो कि CSIR लैब्स है, DRDO लैब्स है, DST लैब्स है, डिफरेंट अदर लैब्स इंस्टीट्यूशंस की लैब्स है, उनको रेडी करने की प्रिपरेशन भी चल रही थी इसी दौरान। 17 मार्च को ही प्राइवेट लैब्स को भी बोल दिया गया था कि वहाँ भी प्रोफॉर्मा भेज दिया था कि यू आर ऑल्सो एलिजिबल, और उनकी स्क्रीनिंग की गई बेस्ड ऑन दी मतलब इंडिया में एक NABL एक्रेडिशन दिया जाता है, तो अगर वो लैब्स वो एक्रेडिशन फॉलो करती है, अगर वो एक्रेडिट है उस पर्टिकुलर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो उनको भी यूज़ किया जाएगा इस पर्टिकुलर टेस्टिंग के लिए। नाउ ICMR ने 19 मार्च से डिसाइड कर लिया है कि वो सेंटिनल सर्विलेंस सिस्टम की तरह काम करेगा, NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नाउ ये सर्विलेंस सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंट डिजीजेस के केसेस में डिफरेंट यू कैन से कि मॉनिटरिंग सिस्टम्स जारी किए जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। ये 3 पार्ट में मेनली डिवाइडेड होते हैं सर्विलेंस सिस्टम, नेशनल पेसिव, नेशनल पैसिव, नेशनल एक्टिव एंड सेंटिनल सर्विलेंस सिस्टम। सेंटिनल सर्विलेंस सिस्टम आप समझ सकते हैं कि अभी सिनेरियो चल रहा है कि एक लेबोरेटरी जो है पूरी इंडिया में जितने केसेस हैं उनका एनालाइज करेगी और क्लोजली एनालाइज करेगी, उन्हें ढूंढेगी, केसेस को ढूंढेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअल जाके केस रिपोर्ट करें, यहाँ पर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वेलेंस सिस्टम कि वो केसेस को ढूंढे। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है उस पर्टिकुलर लेबोरेटरी या एजेंसी का। तो इंडिया रेडी है इस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम रेडी हैं, सारे जो भी पैरामीटर्स हमें लेने हैं वो हम मेजर्स ले रहे हैं। सारी इंडियन लेबोरेटरीज जो हैं वो कह रही है कि दे आर रेडी इक्विप्ड विद दी
इक्विपमेंट्स। एट प्रेजेंट मैंने देखा था 114 लेबोरेटरीज इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड ऑल मिला के दे आर डूइंग द कोविड-19 टेस्ट। कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है जो मैं दूर करना चाहता हूँ कि जो जो मिथ्स हैं कि आप सांस रोक ले तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रीथ होल्ड टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग कोविड-19 है या नहीं है, कोरोना वायरस है या नहीं है, तो वो सब मिथ्स हैं, उन पर भरोसा मत कीजिए। एक मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि ब्लड डोनेट करने चलते हैं बिकॉज ब्लड डोनेशन के टाइम मल्टीपल टेस्ट होते हैं तो वहाँ पता चल सकता है कि कोरोना वायरस होगा या नहीं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अभी ब्लड डोनेशन कैंप्स में कोरोना वायरस टेस्ट नहीं हो रहा है, एंड इट्स लाइक ब्लड डोनेशन इज़ अ सेक्रेट थिंग, सो उसे सेक्रेट ही रहने दे, उसे इस चीज़ में इन्वॉल्व ना करें। और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं जो कि घूम रहे हैं, लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको स्टॉप करें। जो जो एक रिलायबल सोर्स से आ रहा है उसे ही समझें। अगर आपको जानना है तो आप ICMR की वेबसाइट, DST की वेबसाइट, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बहुत सारी प्रेस रिलीज दी हुई है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट करें। डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स दिए हैं, उनको कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से इंफॉर्मेशन लें और मिसकंसेप्शन और मिथ्स को आगे फॉरवर्ड मत करें। थैंक यू वेरी मच।